Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है। आम लोगों की कौन कहे, इस वायरस ने वीवीआईपी केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा। भारत में नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 200 से भी ज़्यादा मंत्री और बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर ठीक होकर काम पर भी लौट चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ महीनों में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर दो कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत हो चुकी है। 14 मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी के सांसद भी कोरोना की वजह से जान चली गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जैसे कई और मुख्यमंत्रियों को कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आने पर अपने आप को होम क्वारंटीन करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई केंद्रीय मंत्रियों को भी कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया।